हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम की तरफ से कर्नूल में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। इसका मेन मकसद था को जो तेलंगाना में मोइनाबाद में जो बच्ची माइनॉरिटी की बच्ची थी उसको जो टीआरएस का लीडर मधु यादव बोलदास वाला वो बच्ची को रेप करके उसका मर्डर करा है। जैसा सीएम केसीआर साहब दूसरे दिन को जैसा इंसाफ दिलाए, दिशा को चार दिन में इंसाफ दिलाए, क्योंकि वो सी थी, ये तो माइनॉरिटी की बच्ची है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, वो मधु यादव को अरेस्ट करना, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना है, ये इंसाफ दिलाना केसीआर साहब को हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा आप दूसरे के लिए इंसाफ दिलाए हैं, ये माइनॉरिटी बच्ची को भी आप इंसाफ दिलाना है, वो मधु यादव को अरेस्ट करना है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चलना ज़रूरी है। ये जो हैदराबाद जो शहर है इसमें जो भी माइनॉरिटीज है इनके सबका जिम्मेदार टीआरएस गवर्नमेंट है, क्योंकि टीआरएस गवर्नमेंट हुकूमत वहाँ पे चल रही, इनको सबको उन्हें प्रोटेस्ट करना है, उन्हें साथ लेके चलना है। एक मुसलमान बच्ची के ऊपर रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, लेकिन कौन से मीडिया में भी, कौन से चैनल में भी, कौन से न्यूज़ में भी बताते नहीं, क्योंकि ये माइनॉरिटी की बच्ची है। वो कोई दूसरी और बच्ची आती थी पैसे वाले की बच्ची तो ये 24 घंटे मीडिया में वही बच्ची का बताते थे, ये गरीब बच्ची है, मुसलमान की बच्ची है, माइनॉरिटी की बच्ची है, इसके वास्ते इसके ऊपर कोई भी मीडिया बताते नहीं। हम मीडिया से दरख्वास्त करेंगे, मीडिया सच्चा मीडिया है वो ये बच्ची के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक मुसलमान बच्ची के ऊपर नाइंसाफी हो रही, वो बच्ची का मर्डर हुआ, उनके माँ बाप पैसे वाले नहीं है, इसके वास्ते उनको इंसाफ़ ना मिल रही। हमें टीआरएस हुकूमत से सीएम केसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रही कि वो बच्ची को इंसाफ मिले और जस्टिस मिले, वो बच्ची के खानदान वाले को जस्टिस मिले, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चले और उसे अरेस्ट करके उसके ऊपर